let's look to Jesus. आइए हम यीशु की ओर अपना ध्यान लगाएं. The more you know Him, जितना आप यीशु को जानेंगे, the more you can live a blessed life. उतना ही आप आशीर्वादित जीवन जी सकेंगे. Because God sent Jesus as a blessing for us. क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए आशीर्वाद के तौर पे भेजा. Remove the humming. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. You are our Savior. आप हमारे उद्धारक. You are our Lord. आप हमारे प्रभु हैं. You are the way to heaven. आप स्वर्ग जाने का मार्ग हैं. You are the truth. आप ही सत्य हैं. And you are our life. और आप ही हमारा जीवन हैं. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा. That you are our teacher. कि आप हमारे शिक्षक हैं. Because your God life in us. क्योंकि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में है. Without you, we can never know God. बगैर आपके हम परमेश्वर को नहीं जान सकते. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा. We resist the devil in Jesus' name. हम शैतान का सामना करते हैं यीशु के नाम में. And all that the devil brings. और जो भी शैतान ला रहा है. We resist in Jesus' name. उन सभी बातों का हम सामना करते हैं यीशु के नाम में. We turn our minds towards God. हम अपना मन परमेश्वर की ओर फेरते हैं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. We will not permit our minds to be distracted. हम अपने मन को विचलित होने नहीं देंगे. Or troubled. या भटकने नहीं देंगे. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. I thank you for all those who have come here. जो भी आए हैं सभी के लिए धन्यवाद. Believing your word. जो आपके वचन पर विश्वास करते हैं. And receive the blessing. और आशीर्वाद पाएंगे. Not only earthly, केवल इस धरती की आशीर्वाद, but also heavenly, पर स्वर्गीय आशीर्वाद भी. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen. Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. परमेश्वर हमेशा भला है. There is no video in this. You know, we try to go live because many want to see. हम live जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत से लोग हमारा संदेश सुनना चाहते हैं. Those who are not able to come or those who are far off. जो नहीं आ सकते हैं या जो दूर रहते हैं. Internet Okay, praise the Lord. Hallelujah. So it's connected. You know, many, there are many who want to hear the messages. बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारा संदेश सुनना चाहते हैं. You know, we are blessed by the word of God. और वचन के द्वारा ही हम आशीर्वादित होते हैं. The only reason we lost the blessing is because we moved away from God. एक ही वजह से हम आशीर्वादों को खो बैठते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से दूर जाते हैं. Sin took us away from God. पाप ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया. But Jesus, by the way of the cross and resurrection, brought us back to God. पर क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें फिर से परमेश्वर के साथ मिला दिया. Amen. Amen. Now we need to know Jesus. अब हमें यीशु को जानना है. Amen. Amen. And Jesus is grace. और यीशु ही कृपा है. Means unmerited favor. इसका मतलब है कि ऐसा अनुग्रह जिसके योग्य हम नहीं हैं. We don't have to work it out to be blessed. हमें कमाने की जरूरत नहीं है ताकि हम आशीर्वादित हों. But just know and be blessed. पर हमें केवल जानना है और आशीर्वादित होना है. That's the difference between Christ and religion. मसीह और धर्म में यही फर्क है. Amen. Amen. Religion asks us to do. और धर्म हमसे कहता है कि हमें ये काम करना है. But Christ wants us to believe. पर मसीह चाहता है कि हम केवल विश्वास करें. That's the difference. और यही फर्क है. Christ has made it easy for us. और मसीह ने सभी बातें हमारे लिए आसान कर दी हैं. But since we don't know. पर क्योंकि हम नहीं जानते हैं. We are struggling and striving to be blessed. हम आशीर्वाद पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं. Amen. Amen.
What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Come to me. मेरे पास आओ. All who are weary and heavy laden. जो भी बोझ से दबे हुए हैं, थके हुए लोग हैं, मेरे पास आओ. You know, religion puts a great burden. और धर्म लोगों पर भारी बोझ डालता है. It expects us to do many things. और धर्म अपेक्षा करता है कि हम बहुत सारे काम करें. It is based on performance. और ये सभी बातें हमारे कार्य प्रदर्शन पर आधारित हैं. It's based on good works. ये हमारे अच्छे कामों पर आधारित है. Amen. Amen. And that puts stress. और ये बात हमें तनावग्रस्त कर देती है. And we are never sure whether God has accepted our good works or not. और ये सब करने के बावजूद भी हमें वो आश्वासन नहीं होता है कि परमेश्वर ने हमारे कामों को स्वीकारा है या नहीं. And the day we fail, और जिस दिन हम नाकामयाब हो जाएंगे, sin condemns us. पाप हमें दंडित करता है. Disqualifies us. हमें अयोग्य ठहराता है. Amen. Amen. And that kind of condemnation, which is not of faith, brings fear. और इस तरह का जो दंड आ गया है या दोष की भावना है जो विश्वास से नहीं आती हमारे मन में डर उत्पन्न करती है. And when you live in fear, और जब आप डर में जीते हैं, the devil harasses us. तो फिर शैतान आपको सताता है. Amen. Amen. Now today I'm going to teach you something very powerful. और आज बहुत ही सामर्थ्यशाली बात आपको सिखाऊंगा. In John 14:6. यूहन्ना 14:6. Jesus said a very powerful truth. यीशु ने बहुत ही सामर्थ्यशाली सत्य बताया. Though some people could be offended. हालांकि बहुत से लोग ये सत्य सुनके नाराज होते हैं. You know, when Jesus was on this earth. जब यीशु इस धरती पर थे. He spoke the truth. और उन्होंने हमेशा सत्य ही कहा. And he spoke looking at their hearts. और उनके हृदयों को देखकर यीशु ने बातें कही. For every person, Christ spoke differently. हर एक व्यक्ति के लिए और हर एक व्यक्ति के साथ यीशु ने अलग तरह से बात की. That's why some people couldn't understand. इसलिए कुछ लोग यीशु की बातें नहीं समझ पाए. Why is the Lord saying like that to that person? कि इस व्यक्ति के साथ प्रभु ऐसे क्यों बात कर रहा है? And why the Lord saying like this to this person? और उस व्यक्ति को प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है? The Lord never saw the external and spoke. He saw their heart. प्रभु ने कभी उनके बाहरी कामों को देखकर उनसे बातें नहीं की, पर उनके मन की दशा को देखकर उनसे बात की. He spoke according to their spiritual need. उनके आत्मिक जरूरत के अनुसार उनसे बात की. Amen. Amen. He knew every person. प्रभु हर एक व्यक्ति को जानता था. The Bible says he knew every man. और बाइबल कहती है कि वो हर एक इंसान को जानता है. No one had to testify, tell him about themselves. और किसे भी परमेश्वर को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है. So he spoke according to their needs. इसलिए प्रभु उनकी जरूरतों के अनुसार उनसे बातें करते. That's why many times when you read the Bible, you don't understand why Jesus said that. इसलिए बहुत सी बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा. But he met their needs. पर उन बातों के द्वारा प्रभु ने उनकी जरूरतों को पूरा किया. He is the solution. वही उपाय है. To every person's problems. हर एक व्यक्ति की परेशानी का उपाय यीशु है. Amen. Amen. That's why when you believe in Jesus. इसलिए जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं. And when you have Holy Spirit in you. और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है. He will lead you. तो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा. He will teach you. आपको सिखाएगा. From the word. वचन से सिखाएगा. What you need. कि आपको किस चीज की जरूरत है. Amen. Amen. You must know this. आपको ये बात जाननी होगी. He is your personal teacher. और पवित्र आत्मा आपका व्यक्तिगत गुरु है. You must personally read the Bible. आपको इसलिए व्यक्तिगत तौर से खुद के लिए बाइबल पढ़ना चाहिए. You must not only depend on the pastor or the leaders who are preaching to you. केवल पास्टर और लीडर जो सिखाते हैं उन पर निर्भर मत रहिए. That is good. ये अच्छा है. But personally must be led by Holy Spirit. पर जरूरी है खुद के लिए हम बाइबल पढ़ें ताकि पवित्र आत्मा हमें व्यक्तिगत तौर से सिखाए. Christ by Spirit. मसीह अपनी आत्मा के द्वारा. Will personally meet your need based on the knowledge of God's word. वो व्यक्तिगत तौर से आपके वचन के ज्ञान के अनुसार आपकी जरूरतों को पूरा करेगा. Amen. Amen. The word of God gives you life. परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है. It's not an empty word. ये कोई खोखला शब्द नहीं है. Jesus said. यीशु ने कहा. My words, they are life. कि मेरे शब्द जीवन हैं. And they are spirit. और वो आत्मा है. Holy Spirit told me. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा. It means spirit life. इसका मतलब है आत्मिक जीवन. God life. परमेश्वर का जीवन. Heaven life. स्वर्ग वाला जीवन. Eternal life. सनातन काल का जीवन. Imperishable life. और अविनाशी जीवन. Amen. Amen. That is what the word of God is. और परमेश्वर का वचन ऐसा है. You begin walking with God by the word of God. और परमेश्वर के वचन के सहारे या प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं. You are saved by the word of God. आपका उद्धार वचन से होता है. Amen. Amen. You know, Cornelius was a very good man. हम जानते हैं कॉर्नेलियस बहुत ही अच्छा व्यक्ति था. God fearing.
परमेश्वर का भय मानता था, प्रार्थना करता था, he would fast, उपवास रखता था, his whole family would pray, उसका पूरा परिवार प्रार्थना करता, alms to the poor, वो गरीबों को दान देता, he saw even a vision, और उसने दर्शन भी देखे, yet he was not saved, पर फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ था, hello, he was not saved, उसका उद्धार नहीं हुआ था. So don't think because some people are good. इसलिए ऐसे मत सोचिए क्योंकि कुछ लोग अच्छे हैं. They are saved. इसलिए उनका उद्धार हो चुका है. No. नहीं. But God will find a way for that person to be saved. पर परमेश्वर हर मार्ग ढूंढेगा ताकि उस व्यक्ति का उद्धार हो सके. Amen. Amen. But he was not saved. पर उसका उद्धार नहीं हुआ था. He was seeing visions. वो दर्शन देख रहा था. He saw an angel come to him. उसने देखा कि एक स्वर्गदूत उसके पास आ रहा है. Yet he was not saved. पर फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ था. So these good things don't save you. इसलिए ये अच्छी बातें आपका उद्धार नहीं कर सकती हैं. Your righteous deed don't save you. आपके धार्मिक काम आपका उद्धार नहीं कर पाएंगे. Your good works don't save you. आपके पुण्य के काम आपका उद्धार नहीं कर पाएंगे. Your charitable deeds don't save you. आपके दान दक्षिणा आपका उद्धार नहीं करवा पाएंगे. Your giving alms to the poor doesn't save you. गरीबों को दान देने से आपका उद्धार नहीं होगा. It is good to do all these things. और ये सभी काम करना अच्छा है. Amen. Amen. You know there is still good in people. हम जानते हैं आज भी लोगों में अच्छाइयां हैं. There are many good people. बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में. Why? क्यों? Because God has put the image of Him in every person. क्योंकि परमेश्वर ने अपना स्वरूप और स्वभाव हर इंसान में डाला है. But after sin entered, पर पाप के आने के बाद, the devil is making them immoral. और शैतान हर एक को बिगाड़ रहा है. Remove the image of God. परमेश्वर का स्वरूप उनसे निकाल रहा है. And the more a person, a sinner, a person is, और जितना व्यक्ति ज़्यादा पापी बनता है, is becoming in the image of the devil. उतना ही वो शैतान का स्वरूप धारण कर रहा है. That's what sin does. यही तो पाप करता है. If a person doesn't turn to the Savior, यदि वो व्यक्ति उद्धारकर्ता के पास लौट कर ना आए, that person's image is being transformed slowly towards the image of the devil. तो उस व्यक्ति का जो स्वरूप है धीरे-धीरे शैतान जैसा होता जाता है. How can you stop this? आप कैसे उसे रोक सकते हैं? When you come to Jesus. जब आप यीशु के पास आएंगे. When you believe in Him. जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे. He comes into your spirit. यीशु आपकी आत्मा में बसता है. He comes into your heart. वो आपके हृदय में आता है. And you become a new person. और आप नया व्यक्ति बन जाते हैं. Suddenly the old image of the devil is removed. और अचानक से जो पुराना शैतान का स्वरूप था वो निकल जाता है. In your spirit. आपकी आत्मा से निकल जाता है. Amen. Amen. The transformation that was taking place towards the devil's image stops. और आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा था या जो बदलाव शैतान के स्वरूप में हो रहा था वो बदलाव रुक जाता है. Amen. Amen. Because the spirit is born again. क्योंकि अब आपकी आत्मा का नया जन्म होता है. 2 Corinthians 5:17 says. 2 Corinthians 5:17 में लिखा है. If any man be in Christ. कि यदि कोई भी व्यक्ति मसीह में हो. He is a new creation. तो वो एक नई सृष्टि है. Look at this. इस पर गौर कीजिए. Created according to God. जो परमेश्वर के अनुसार रचा गया हो. Once again, he comes to the image of God. और पुनः वो परमेश्वर के स्वरूप में ढल जाता है. Amen. Amen. That image of the devil is removed. और शैतान का स्वरूप निकल जाता है. Now God, by Spirit, lives in our spirit. और अब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में बसता है. Amen. So we have the image of Christ in us. और इसलिए अब मसीह का स्वरूप हमारे अंदर है. If you would have not believed in Jesus, यदि आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया होता, a time would have come, we would have become like the devil's image. तो एक ऐसा समय आ जाता कि आप शैतान के स्वरूप जैसे हो जाते. What is the quality of Satan? और शैतान का गुण क्या है? Jesus said, यीशु ने कहा, he's a liar. कि वो झूठा है. Father of all lies. और हर झूठ का जन्मदाता है. His mission is to kill, steal and destroy. और उसका मकसद यही है कि नाश करे, घात करे, चोरी करे. He's full of hate. और वो नफरत से भरा हुआ है. Violence. हिंसा से भरा हुआ है. Amen. Amen. See, that image has changed. और वो स्वरूप अब बदल गया है. Without that image, Christ won't come. और बगैर उस स्वरूप के मसीह नहीं आएगा. How can the devil's image and God's image be in our spirit? शैतान का स्वरूप और परमेश्वर का स्वरूप एक साथ हमारी आत्मा में कैसे हो सकता है? But now you'll ask me. पर अब आप मुझसे पूछेंगे. Pastor, प्रभु का इमेज है तो फिर भी बिलीवर लोग भी तो गलती करता है, पाप करता है. Yes. हाँ, विश्वासु भी पाप करते हैं. But they don't want to do it. पर वो पाप करना नहीं चाहते. See, there's a difference between want to do it and don't want to do it. और करने की इच्छा रखना और करने की इच्छा नहीं रखना, इसमें बहुत फर्क है. Like a sheep. एक मेमने की तरह. You know, when the sheep falls into the muck. जब एक मेमना कीचड़ में गिर जाता है. It doesn't like it. उसे वो कीचड़ पसंद नहीं आती. It wants to come out. वो बाहर निकलना चाहता है. But a pig. पर एक जो सुअर होता है, it runs in the muck and lives there. वो कीचड़ में दौड़कर जाता है और उसे वहाँ रहना पसंद आता है. Because that's the
That's the nature. क्योंकि वो उसका स्वभाव है. That's the image. और वो उसका स्वरूप है. Of to live in the dirt. कि उसे कीचड़ में ही रहना पसंद है. Amen. Amen. So, once upon a time we used to sin. इसलिए एक समय था कि हम पाप करते थे. We used to love to sin. हम अपनी इच्छा से पाप करते थे. But now, though we fall into sin, we don't love to sin. पर अब हम पाप करते भी हैं, पर फिर भी हमारी इच्छा नहीं होती पाप करने की. But we want to come out. हम बाहर निकलना चाहते हैं. That shows the new image. और यही बात बताती है कि हमारे अंदर नया स्वभाव है. That shows the new nature. हमारे अंदर नया स्वभाव है. Christ nature in you. मसीह का स्वभाव जो आपके अंदर है. Amen. Amen. Then why do we fall into sin? और फिर क्यों हम पाप में गिरते हैं? The reason is. इसका कारण ये है. Because we have not renewed our mind. क्योंकि हमने अपने मन को नया नहीं किया. Our mind is still old. हमारा मन अब भी पुराना है. When we become born again, जब हमारा नया जन्म होता है, by believing in Jesus, यीशु पर विश्वास करने से, our spirit is changed. हमारी आत्मा बदल जाती है. But our mind is not renewed. पर हमारा मन तो पुराना ही होता है. Now our only work is, और अब हमारा एक ही काम है, to renew our mind. कि हम हमारे मन को नया करें. According to the new nature of Christ, मसीह के नए स्वभाव के अनुसार अपने मन को नया करें. Amen. Amen. That's our only work. और ये हमारा केवल एक ही काम है. Renew your mind. कि हम अपने मन को नया करें. कैसे? By the word of God. परमेश्वर के वचन से. Amen. Amen. See, the word of God is for us. परमेश्वर का वचन हमारे लिए है. It's not pointing out sin. और ये हमारे पापों को नहीं दिखाता. It is showing you how a born again Christian must live. पर ये वचन हमें सिखाता है कि एक नया जन्म पाया हुआ मसीह को कैसे जीना चाहिए. It's showing your image. वो आपके स्वरूप को आपको दिखाता है. The new image. नया स्वरूप. Not the old one. पुराना नहीं. Amen. Amen. It's not a law book. और ये व्यवस्था की किताब नहीं है. A instruction book. ये नियम की पुस्तक नहीं है. A rule book. ये व्यवस्था की पुस्तक नहीं है. For those who are under the law. जो व्यवस्था में हैं. It is a rule book for them. उनके लिए ये नियम की पुस्तक है. Okay, the Bible says, "Don't give bad words." Okay, I will not give bad words. कि बाइबल कहती है गंदी गालियां मत दो तो मैं गंदी गालियां नहीं दूंगा. The Bible says, "Don't fight with your wife and husband." Okay, I will not fight from today. और बाइबल कहती है कि पति और पत्नी से लड़ाई मत करो तो आज से मैं लड़ाई नहीं करूंगा. It is not coming from your heart. और ये बातें आपके मन से नहीं होती. It is just a law. ये केवल आपके लिए व्यवस्था है. Amen. Amen. Based on that law, you are doing it. और उसी व्यवस्था के अनुसार आप करते हैं. But your heart doesn't want to do it. पर आपका मन वो व्यवस्था का पालन नहीं करना चाहता. But those who are under grace. पर जो कृपा में हैं. They know. वो जानते हैं. Their spirit is born again. कि उनकी आत्मा का नया जन्म हुआ है. Now they see the Bible. और अब जब वो बाइबल देखते हैं. Oh, born again Christian must live this way. Okay, correct. कि नए जन्म पाए मसीह को इस तरह से जीना चाहिए. ठीक है. I'm renewing my mind. मैं अपने मन को उसके अनुसार नया करूंगा. That's how you see. When a person becomes born again, इसलिए हम देखते हैं जब एक व्यक्ति का नया जन्म, you know, they come and testify. वो आकर गवाही देते हैं. पहला मैं सिगरेट पीता था, अभी बंद हो गया. मैं तंबाकू खाता, अभी बंद हो गया. See, how did it happen? ये कैसे हो गया? Because the new nature. क्योंकि नया स्वभाव आ गया. Christ nature. मसीह का स्वभाव आ गया. Amen. Amen. If you don't renew your mind, यदि आप अपने मन को नया there'll be a fight. तो फिर शैतान लड़ेगा. There'll be a fight in you. आपके अंदर एक युद्ध होगा. Between your new person, आपके नए व्यक्ति के बीच में, and the old mind, और पुराने मन के बीच में युद्ध छिड़ेगा. हृदय बोलेगा बाइबल पढ़ो, माइंड बोलेगा अरे काय का अभी बाइबल पढ़ता, अभी सो जाओ. There's a fight. और युद्ध होगा हमेशा. हृदय बोलेगा नया हृदय बोलेगा चलो चर्च जाओ आज. नहीं नहीं अभी काय का बारिश आ रहा, अच्छा नहीं वेदर. There's a fight. हमेशा युद्ध होगा. The flesh against the spirit against the flesh. शरीर आत्मा से लड़ता है और आत्मा शरीर से लड़ता है. If you have not renewed your mind, यदि आप अपने मन को नया नहीं करते, your flesh will take over. तो फिर आपका शरीर आप पर हावी हो जाएगा. And start ruling you. और आप पर राज करेगा. Amen. Amen. हाँ, अगर तुम वचन में नहीं बढ़ते हो, चर्च में नहीं आते हो, तो क्या होगा? अपना फ्लैश तुम्हारे पर अधिकार लेगा. तुम्हारा इच्छा है, मगर इच्छा को दबा देगा. Amen. Amen. तुम्हारे को इच्छा है बाइबल पढ़ने को, मगर फ्लैश लेजी हो जाएगा. नहीं नहीं अभी क्यों पढ़ता, कल पढ़ो परसों पढ़ो. यू नो दैट्स व्हाट जीसस सेड एट द गार्डन ऑफ गेथसेमनी. और यही तो यीशु ने गेथसेमनी के बाग में कहा. वेक अप, प्रे. उठो, प्रार्थना करो. दे वर स्लीपिंग. वो सो रहे थे. दे अलाउड द फ्लैश टू ओवरटेक देम. और उन्होंने अपने शरीर को इजाजत दी कि वो उस पर हावी हो जाए. व्हाट डिड जीसस से? पर यीशु ने क्या कहा? जीसस वाज प्रेइंग. यीशु प्रार्थना कर रहे थे. इन द गार्डन ऑफ गेथसेमनी. गेथसेमनी के बाग में. एंड ही केम आउट. और वो जब बाहर आए, हिज डिसिपल्स स्लीपिंग. और देखा कि चेले सो रहे हैं. ही सेज गेट अप. तो यीशु ने कहा उठो. द टाइम इज अप. समय आ चुका है. योर स्पिरिट इज विलिंग. तुम्हारी आत्मा तो इच्छुक है.
Your spirit is willing. तुम्हारी आत्मा की इच्छा है. But your flesh is weak. पर तुम्हारा शरीर कमजोर है. So, the word of God gives us life. इसलिए परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन देता है. Not only it gives us life. केवल हमें जीवन ही नहीं देता. You grow by the word of God. पर परमेश्वर के वचन से ही आप बढ़ते हैं. First, it washes you. सबसे पहले ये वचन आपको धोकर साफ करता है. John 15:7, Jesus said. और यहूना 15:7 में यीशु ने कहा. You are all clean. कि तुम सभी साफ हो. By the word I have spoken to you. उस शब्द के द्वारा जो मैंने तुम्हें कही है. The word of God washes you. परमेश्वर का वचन आपको साफ करता है. Amen. A spiritual washing. आत्मिक तरह से साफ करता है. That's why you must always come to church. इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा कलीसिया आएं. To get spiritually washed. ताकि आत्मिक तौर से हम साफ हो जाएं. Amen. You must hear the grace message. जरूरी है कि हम कृपा का वचन सुनें. Not the law. Message. You must come with your whole family. You will bring the children. The word of God will wash them. Because the devil has built the world contrary to God. There is nothing in the world that will take you to God. दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको परमेश्वर के पास लेकर जाएगी. God made this earth. परमेश्वर ने इस धरती को बनाया. Beautiful. बहुत ही सुंदर बनाया. There was no curse. इसमें कोई श्राप नहीं था. No consequence of sin because there was no sin. पाप का कोई परिणाम इस धरती पर नहीं था क्योंकि पाप ही नहीं था. But when sin came, पर जब पाप आया, from that time the devil is building this world contrary to God. उस समय से पाप के द्वारा शैतान धीरे-धीरे इस दुनिया को बना रहा है परमेश्वर के विरोध में. His kingdom is the kingdom of darkness. और उसका जो राज्य है वो अंधकार का राज्य है. And God's kingdom is the kingdom of light. और परमेश्वर का राज्य प्रकाश का राज्य है. They are the two kingdoms. और ये दो राज्य हैं. There are no three. और तीसरा कोई नहीं है. Only two. केवल दो ही राज्य हैं. God's kingdom and the devil's kingdom. परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य. The devil is doing his best to increase his kingdom. और शैतान अपनी उत्तम कोशिश कर रहा है कि अपने राज्य को बढ़ा सके. Keeping his people in this kingdom of darkness. अपने लोगों को अपने अंधकार के राज्य में संभाल के रखता है. By the slavery of sin. और पाप के गुलामी से. So that he can have authority over them. ताकि वो उन पर अपना राज्य चला सके. Sin gives him authority. और पाप उसे अधिकार देता है. But Jesus came. पर यीशु आए. Defeated sin. पाप को हरा दिया. And the consequence of sin. पाप के परिणाम को हरा दिया. And those who believe. और जो भी उस पर विश्वास करता है. He removes us from the kingdom of darkness. यीशु हमें अंधकार के राज्य से बाहर निकालता है. And puts us into the kingdom of light. और अपने प्रकाश के राज्य में रखता है. And from that time the devil has no power over you. और उस पल से शैतान अपने राज्य अपने अधिकार आप पर नहीं चला सकता. You belong to God. आप परमेश्वर के हैं. The Bible says God has purchased you with the price. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दाम चुकाकर आपको खरीदा है. With his own blood. अपने लहू बहाकर आपको खरीदा है. Amen. Amen. You are bought by the blood of Jesus. और यीशु के लहू से आपको खरीदा गया है. You belong to Jesus. आप यीशु के हो चुके हैं. The devil cannot touch you. शैतान आपको छू नहीं सकता. Now what happens if we don't know the word? और परेशानी ये है कि हमें वचन ही नहीं पता. The devil will have hold over you. और जब वचन नहीं पता होगा तो फिर शैतान आपके जीवन में राज करेगा. It's only by believing. केवल विश्वास करने से. That you live in victory. आप विजयशाली जीवन जी सकते हैं. It's not by doing. करने से नहीं. There is nothing to do. और आप करने के लिए कुछ बचा नहीं है. Jesus did everything on the cross. यीशु ने सब कुछ क्रूस पर किया. And he said it is finished. और यीशु ने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है. Amen. It is finished. पूरा हो चुका है. Nothing is left for us to do. और अब कोई काम हमारे लिए नहीं बचा है. Except to know. And knowledge gives you faith. केवल हमें ज्ञान प्राप्त करना है और यही ज्ञान हमें विश्वास देता है. Amen. Amen. We need to live a faith life. हमें विश्वास का जीवन जीना है. The Bible says, live by faith. और बाइबल कहती है कि विश्वास से जियो. Not by emotions. भावनाओं से नहीं. Living by faith means living based on the knowledge of God's word. और विश्वास से जीने का मतलब है कि परमेश्वर की वचन के अनुसार जीना. Amen. Amen. Your walking, your thinking, your response is based on the knowledge of God's word. आपका चाल चलन, आपका सोचना, आपका बर्ताव, सभी बातें परमेश्वर की वचन के अनुसार होती हैं. That is living by faith. और उसे ही विश्वास करना है. Living by faith is living a higher life. और विश्वास के जीने का मतलब है ऊंचा जीवन जीना. Living a heaven life. स्वर्ग का जीवन जीना. Where the whole heaven backs you. जहाँ पे पूरा स्वर्ग आपकी मदद करता है. The whole heaven looks at you. पूरे स्वर्ग की नजर आप पर है. Because you are walking. Like the way of heaven. क्योंकि आप स्वर्ग के चाल चलन से चलते हैं. Amen. Amen. God is pleased. परमेश्वर आपसे बहुत खुश होते हैं. Heaven is pleased. स्वर्ग आपसे खुश है. Okay, now let us read John 14:6. This is my message. आइए हम पढ़ें यूहन्ना 14:6 आज का संदेश. I just gave to encourage you. और ये बातें मैंने आपको प्रोत्साहित करने के लिए कही.
Jesus said, Yeshu ne kaha, in John 14:6, Yohana 14:6, I am the way, ki main marg hoon, I am the truth, main hi satya hoon, I am the life, aur main hi jeevan hoon. Everything is included. Aur sabhi baatein isme samayi hui hain. In this short statement, is chote se vakya mein, many people may be offended. Bahut se log ye sunkar naraaz hote hain. But Jesus spoke the truth. Par Yeshu ne sachchai kahi. No man can come to the Father. और पिता के पास कोई नहीं आ सकता. No man can go to heaven. कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता. Except by me. मेरे बगैर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता. Amen. Amen. This is very, very powerful. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली बात है. Very, very powerful. बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्यशाली. You know, Holy Spirit gave me a deep message on this. और पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत ही गहरा संदेश इस पर दिया है. Which I cannot speak on Tuesdays. जो मैं मंगलवार को नहीं बता सकता. I'll keep this on teachings. और ये शिक्षा के लिए मैं रविवार को. You know, there are some deeper mysteries. और कुछ गहरे रहस्य हैं वचन के. Which I give to those who are mature. जो मैं केवल सयाने लोगों को बता सकता हूँ. Because new people will not understand. क्योंकि नए लोग नहीं समझ पाएंगे. But the more deeper you go in the word. पर जितना वचन में गहरे उतरते हैं. The more faith will be. उतना ही आपका विश्वास बलशाली होगा. Amen. Amen. So what is the Lord saying? इसलिए प्रभु क्या कह रहे हैं? I am the way. कि मैं ही मार्ग हूँ. Not a way. एक मार्ग नहीं. The only way. एक मात्र मार्ग. Amen. Amen. The only truth. एक मात्र सत्य. The only life. एक मात्र जीवन. No man can come to the Father. और पिता के पास कोई व्यक्ति नहीं आ सकता. He didn't say no man can go to the Father. और ऐसे नहीं लिखा कि कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता. He says no man can come. और यहाँ पे लिखा है कोई भी आ नहीं सकता. Because he is from heaven. क्योंकि यीशु स्वयं स्वर्ग से है. Amen. Amen. He is speaking from heaven. वो स्वर्ग से बोल रहा है. He is not speaking from earth. No man can go to heaven. कि कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता. He is a man from heaven. वो स्वर्ग से व्यक्ति है. He is God. वो परमेश्वर है. Jesus is God. यीशु परमेश्वर है. But he took the form of flesh, human flesh. पर उसने शरीर धारण किया. Why? क्यों? Just to pay the penalty of our sin. केवल हमारे पापों की भरपाई करने के लिए. He had to be 100% man. यीशु को 100% इंसान बनना पड़ा. Amen. Amen. Because the wages of sin is death. क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है. So he died for us. इसलिए यीशु ने हमारे लिए जान दी. God cannot die. परमेश्वर मर नहीं सकता. He had to become a man to die. इसलिए मरने के लिए यीशु को इंसान बनना पड़ा. Amen. Amen. God is the creator. God is life. परमेश्वर निर्माण करता है. परमेश्वर स्वयं जीवन है. He took on, put on flesh. पर उसने शरीर धारण किया. He came so low. वो इतना निचला हुआ. To save us. ताकि हमारा उद्धार कर सके. So he is saying. इसलिए यीशु कह रहे हैं. No man can come to the Father. He is speaking from heaven. कि यीशु स्वर्ग में खड़े होकर कह रहे हैं. No man can come to the Father. कि कोई भी पिता के पास आ नहीं सकता. He and the Father are one. एक पिता और यीशु एक हैं. Okay, that's a mystery. और ये एक रहस्य है. But by me, except through me. केवल मेरे द्वारा जा सकता है. You know, when God created Adam and Eve. जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया. God would personally come and talk to them. तो परमेश्वर खुद आकर उनसे बातें करते. God put them in the Garden of Eden. परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा. Which Holy Spirit told me was a type of paradise. और पवित्र आत्मा ने कहा कि वो एक तरह का सुखलोक था. There was no sickness, no disease, no curse. और वहाँ पे कोई पाप, रोग, बीमारी, no death नहीं था. मृत्यु नहीं. Everything was provided free. और सब कुछ मुफ्त में दिया जाता था. That is God's mind. और ये परमेश्वर की सोच है. ये परमेश्वर की इच्छा है. Bless the creation. कि निर्मिति को आशीर्वादित करे. Amen. He is the creator. वो निर्माण करता है. Not only the creator but also the provider. केवल निर्माण करता ही नहीं है पर पालनहार भी है. He doesn't need anything from us. और हमसे परमेश्वर को कोई चीज की जरूरत नहीं है. Amen. Amen. He doesn't need anything from us. परमेश्वर को हमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है. Before he could make man. इसके पहले कि परमेश्वर इंसान को बनाते. He made everything for man. इंसान के लिए सब कुछ परमेश्वर ने पहले से बना लिया. For 6 days. 6 दिन. He made everything. सब कुछ बना लिया. Then on the 6th day he made man. और छठे दिन पे परमेश्वर ने इंसान को बनाया. When man was there. जब इंसान वहाँ पर था. He had no need. तो उसे कोई जरूरत नहीं थी. That will be like heaven for us. हमारे लिए स्वर्ग वैसा होगा. When you go to heaven. जब आप स्वर्ग जाएंगे. Everything will be there. सब कुछ आपके लिए वहाँ पर होगा. Amen. Amen. प्रभु ये नहीं बोल रहा ऊपर आने के बाद घर बनाओ, घर बांधो, इधर से सब पोटली उठा के लेके आओ, ऐसा बोलता है? पैसा जमा के रखो ऊपर आने का, काम ढूंढने का.
बर्तन धोने पड़ेगा, ये करने काम पुजाने पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ बोलता है? कुछ नहीं. Everything is prepared for you. सब कुछ आपके लिए तैयार करके रखा गया है. Amen. Don't think God needs something from us. सोचिए कि परमेश्वर को हमसे कोई चीज़ की ज़रूरत है. These things were put by man. और ये बातें इंसान ने बनाई हैं. I remember when I was a small child. और मुझे याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था. During exam time. और परीक्षा के समय में. Though parents are good. माता-पिता अच्छे हैं. But goodness and the right knowledge is different. अच्छाई और सही ज्ञान रखना ये दो अलग बातें हैं. दो अलग बातें. अच्छाई है, मगर अच्छाई से सब होता नहीं. वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. Amen. Amen. बहुत बार अच्छाई से हम लोग गलत भी करते हैं, दूर लेके जाते हैं प्रभु से. सिर्फ गुण काफी नहीं, वचन का ज्ञान काफी मांगता है. So mommy used to say, see exam is there, फूल लेके जा, माला लेके जा, दुकान से खरीद के लेके जा, प्रभु को डाल, प्रभु को दे और बोल पास कर दे. अच्छा ठीक है. तो उस टाइम पे एक आना दो आना था ना हमारे जमाने में. आई डोंट नो हाउ मेनी आर ओल्ड लाइक मी. मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग मेरे जमाने के हैं जो 60 साल के ऊपर है. बिकॉज़ आई हैव सीन दोज इयर्स. क्योंकि वो साल मैंने देखे हैं. उसमें भी हम लोग कम करते थे प्रभु को देने के लिए भी. अरे कितने का है? 25 पैसा. अरे 10 पैसे में दो ना. और भगवान देखो दिया है, याद करो पास करने का. सी यू नो पेरेंट्स आर नॉट बैड. माता पिता बुरे नहीं हैं. दे आर गुड. वो अच्छे हैं. बट बहुत बार तुम्हारा अच्छाई काम नहीं आता है, उल्टा अच्छाई से हम लोग गलत शिक्षण देते हैं. इसके लिए वचन का ज्ञान चाहिए. सिर्फ अच्छे लोगों के साथ चलना नहीं है हमको, जिसके पास वचन का ज्ञान है उसके साथ चलो. Amen. Amen. I'm not hurting anyone. और मैं किसी को नाराज़ नहीं कर रहा हूँ. I'm telling you the truth. पर आपको सच्चाई बता रहा हूँ. I told you about Cornelius. और मैंने Cornelius के बारे में आपको बताया. Such a good man. देखिए कितना अच्छा व्यक्ति था. But he was not saved. पर उसका उद्धार नहीं हुआ था. In the vision, the angel of God came to him and said. और दर्शन में परमेश्वर का दूत उसके पास आकर कहता है. Call the preacher, Apostle Peter. कि प्रेरित पत्रस को बुला, वो तुझे प्रचार करेगा. And he will give you words. By which, when you believe, you will be saved. और वो तुझे ऐसे शब्द सुनाएगा कि यदि जब तू उस पर विश्वास करे तो तू उद्धार पाएगा. देखो, वो वचन देगा, वो वचन से तुम्हारा उद्धार होगा. Look at this. इस पर गौर कीजिए. एंजल ने बने बोला, अरे तुम तो बहुत अच्छा आदमी हो, तुम तो इतना बढ़िया काम कर रहे हो, उपवास प्रार्थना कर रहे हो, गरीब लोगों को दान दक्षिणा दे रहे हो, पूरा परिवार विश्वास करता है, तुमको विजन भी दिखता है, तुम स्वर्ग जा रहा. ऐसा नहीं है. You need to be saved. जरूरी है कि आपका उद्धार हो. Amen. Amen. So when Peter came, तो जब पत्रस उसके पास आया, and spoke the word of life, और जीवन का वचन बोला, and when Cornelius believed, और जब Cornelius ने, he and his family were saved. तो उसका और उसके परिवार का उद्धार हुआ. Amen. Amen. Remember this. ये बात याद रखिए. Don't come and tell me, Pastor, नहीं वो तो मेरा ना माँ बहुत अच्छी है, बाप बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा. ऐसा नहीं जाता है कोई भी. प्रभु का वचन से उद्धार मिलना चाहिए उनको. Amen. Stand for the truth. और सत्य के लिए खड़े रहिए. I know when you stand for the truth, people may not like you. मैं जानता हूँ कि जब आप सत्य का पक्ष लेंगे तो लोग people may hate you. लोग आपसे नफरत करेंगे. But what are you going to do? पर आप क्या करेंगे? Are you going to stand for the truth? क्या आप फिर भी सत्य का पक्ष लेंगे? Or for darkness? या अंधकार के लिए खड़े रहेंगे? There are just two. केवल दो ही हैं. Light and darkness. प्रकाश या अंधकार. Truth and lies. सत्य या झूठ. Amen. Amen. You have to choose. आपको चुनना है. See, our standing is before God. और हमारा ठहरना परमेश्वर के सामने है. Not before people. किसी इंसान के सामने नहीं है. We don't want to be in good books before people. हम लोगों के नजरों में अच्छा नहीं बनना चाहते. Amen. Amen. Now, after God made our first parents. और हमारे पिता ने जब पहले माता-पिता बनाए. You know, the devil influenced them. तो शैतान ने उन्हें. You know, who is the first sinner? आप जानते हैं सबसे पहला पापी कौन है? Lucifer, Satan. Lucifer या शैतान. Satan's name was Lucifer. शैतान का नाम पहले लूसीफर था. When God made him. जब परमेश्वर ने उसे बनाया. But he rebelled against God in heaven. पर परमेश्वर के विरोध में उसने काम किया स्वर्ग में. And God did not say a word. और परमेश्वर ने तब कुछ भी नहीं कहा. And so Lucifer thought that he is very wise. और लूसीफर को लगा कि वो बहुत ही अकलमंद है. अरे प्रभु को मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ इधर. इसका मतलब परमेश्वर इतना बड़ा नहीं है.
So slowly he's tried to influence other angels. इसलिए धीरे-धीरे वो बाकी स्वर्गदूतों के कान भी भरने लगा. This is what Holy Spirit taught me. और ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया. And then. और फिर. Most of the angels joined him. बहुत सारे स्वर्गदूत उसके साथ मिल गए. One third of the angels. एक तिहाई स्वर्गदूत. God kept silent. परमेश्वर तब तक when चुप रहे. Every angel was tested. जब हर एक स्वर्गदूत परखा गया. Then God banished them from heaven. और फिर परमेश्वर ने लूसीफर को और जो भी उसके साथ थे सभी का बहिष्कार स्वर्ग से कर दिया. मतलब उजाला से निकाल दिया. He removed them from light. परमेश्वर ने उन सभी को प्रकाश से निकाल दिया. And bound them in chains of darkness. और अंधकार की सलाखों से उन्हें बांध के रखा. If I tell you a mystery. और यदि मैं आपको एक रहस्य बताऊं. You'll be shocked. आप हैरान हो जाएंगे. The truth is that. सच्चाई ये है. Lucifer is chained. कि लूसीफर आज भी सलाखों में बंधा हुआ है. If God opens your eyes, यदि परमेश्वर आपकी आंखें खोले, you will see him chained in darkness. तो फिर आप देखेंगे कि वो अंधकार से जकड़ा हुआ है. That's why he hates God. इसलिए वो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है. And he hates those who have Christ in them. और जिनके पास मसीह है, वो उससे भी नफरत करता है. And third, he hates every human being. और तीसरा, वो हर एक इंसान से नफरत करता है. And fourth, he hates every creation of God. और चौथा, वो परमेश्वर की हर एक निर्मिति से नफरत करता है. Amen. Amen. Because is banished to hell forever. क्योंकि हमेशा के लिए उसका स्वर्ग से बहिष्कार किया गया है और नर्क में डाला गया है. Once I asked Holy Spirit. और एक बार पवित्र आत्मा से मैंने पूछा. Now if the demons wanted to repent. यदि दुरात्माएं प्रायश्चित करना चाहे तो. Though there is no way. और कोई मार्ग नहीं है. Because judgment is set. क्योंकि उनके लिए न्याय ठहराया गया है. What is the desire? तो क्या यदि उनके मन में इच्छा है? I have a great desire. दुरात्माओं के मन में बड़ी इच्छा है. If they could get a chance, यदि उन्हें एक मौका मिले, they would repent. तो वो प्रायश्चित करेंगे. But they know. पर वो जानते हैं. That they cannot. कि वो नहीं कर सकते. That's their condition today. और आज उनका हाल ऐसा है. That's why they're doing everything to destroy. इसलिए. Okay. So when God made our first parents, इसलिए जब परमेश्वर ने हमारे Satan influenced them, तो शैतान ने अपना प्रभाव उन पर and they fell into sin, और वो पाप में गिर गए, and they entered the kingdom of darkness, और अंधकार के राज्य में उन्होंने भी प्रवेश किया, and what did God do? और परमेश्वर ने क्या किया? He removed them from the place of light, परमेश्वर ने प्रकाश के स्थान से इंसान को because paradise is a place of light, क्योंकि जो सुखलोक है वो प्रकाश का स्थान था, because sin, which is darkness. क्योंकि पाप अंधकार है. And God that is light cannot be together. और परमेश्वर जो प्रकाश है वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते. So God had to remove them. इसलिए परमेश्वर को उन्हें निकालना पड़ा. Separate them. उन्हें अलग करना पड़ा. And then he commanded this angel to stand there. और फिर परमेश्वर ने अपने them to enter the light again. परमेश्वर ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वो उस वाटिका पे तैनात हो ताकि कोई वहां पर अब प्रवेश न कर पाए. That was the saddest day in human history. और इंसान जाति के इतिहास में सबसे दुखी दिन ये था. Sinned against God. जब आदम ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया. And he was driven from the presence of God. और उसे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाला गया. Along with his wife. अपनी उसकी पत्नी के साथ. Having seen the presence. और उपस्थिति में रहने के बावजूद. Having enjoyed the presence. परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाने के बावजूद. They felt the worst. वो पाप में बहुत बुरी तरह से गिर गए. They tasted of heaven. उन्होंने स्वर्ग को चखा. They lived in the paradise. और सुखलोक में वो रह रहे थे. They lived in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहे थे. You know, the Bible says, in the presence of God is fullness of joy. Joy. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. They lived in the environment of joy. वो आनंद के माहौल में रह रहे थे. शांति के माहौल में रह रहे थे. They had never experienced sorrow. उन्होंने कभी दुख का अनुभव नहीं लिया था. Amen. Amen. But after they were separated. पर जब वो अलग किए गए. They wanted to come back. उसके बाद वो आना चाहते थे. But God wouldn't allow. पर परमेश्वर ने उन्हें अनुमति नहीं दी. He placed an angel there. और परमेश्वर ने उस वाटिका के बाहर अपने स्वर्गदूत को रखा. To protect the place they don't enter in. ताकि उस सुखलोक को सुरक्षित रख सके ताकि इंसान फिर से अंदर ना आ सके. You know, from that time. और उस समय से. Man has invented religion. इंसान ने धर्म को लाया है. Trying to do everything to come back to God's presence. अपनी हर कोशिश करता है धर्म के द्वारा ताकि फिर से वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके. Amen. Amen. From that time. उस समय से. Man has been doing everything. इंसान अपनी उत्तम कोशिश कर रहा है. New ways. हर नए तरीकों से. To come back to God. कि वो फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में लौट कर आए. That is the way religion began. और इसी तरह से धर्म की शुरुआत हुई.
But by the way of religion, you cannot get the presence of God. पर धर्म के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते. Because religion is external. क्योंकि धर्म तो बाहरी बातें हैं. It cannot touch your heart. वो आपके मन को नहीं बदल सकता. God waited. परमेश्वर रुका रहा. Till one day Jesus came. एक दिन फिर यीशु आए. Amen. Amen. He became a man like us and paid the total penalty of our sin on the cross. And he says, and he rose upon the third day with life, resurrection life, and those who believe in him. Now, he's become the way to the presence of Father. और अब उन सभी लोगों के लिए यीशु ही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं. Amen. Amen. वापस से हमको प्रभु का प्रेजेंस में प्रभु यीशु ने लाया है. Amen. Amen. What a blessing. देखिए कितना महान आशीर्वाद है. कितना महान आशीर्वाद है. Man has been doing so many things. इंसान नए नए तरीके ला रहा है. To enter the presence of God. ताकि वो अपनी कोशिश से प्रभु की उपस्थिति में जा सके. That is man's way. पर ये तो इंसान का तरीका है. That's what the Bible says. इसलिए बाइबल When Jesus came. जब यीशु आया. He said. उसने कहा. I am the way to the presence of the Father. कि परमेश्वर की उपस्थिति के तक जाने तक मैं ही वो मार्ग हूँ. When you come through me. जब आप मेरे द्वारा आते हो. You enter the presence of God. तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हो. Amen. Amen. You know there are many ways and routes. बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं. This is what Holy Spirit told me. और ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया. Which may give meaning to our life. जो आपके जीवन को कुछ अर्थ देंगे. But Jesus is the only way to heaven. पर स्वर्ग जाने का मार्ग केवल और केवल यीशु है. Amen. Amen. Heaven means the presence of God. स्वर्ग का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति. There is no darkness. वहाँ पर अंधकार नहीं है. There is no devil. वहाँ पे शैतान नहीं है. There is no sin. वहाँ पे पाप नहीं है. You know, many people ask me. Many believers ask me, बहुत से विश्वासी मुझसे पूछते हैं, अगर हम लोग स्वर्ग में पाप क्या हमको निकाल देगा क्या प्रभु? नहीं निकालेगा. Because there'll be no sin. क्योंकि वहाँ पर पाप नहीं है. See here, why we commit sin? यहाँ पर हम क्यों पाप करते हैं? Though the presence of God is there, भले ही परमेश्वर की उपस्थिति है, the devil is also there. पर शैतान भी तो मौजूद है. Day in and day out. दिन और रात he influences us. वो हम पर अपना प्रभाव डालता है. Through the TV, through the songs, through the movies, through the newspaper. मूवी के द्वारा, vulgarity है, गंदा songs है, गंदा pictures है, गंदा thoughts है. इसके वजह से हम लोग को पाप में गिरते हैं हम लोग. मगर स्वर्ग में अंधेरा नहीं है, शैतान नहीं है, तो पाप नहीं है. तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलेगा. Amen. Amen. No sickness. No disease. रोग नहीं no curse. कोई श्राप no नहीं death. मृत्यु no नहीं tensions, है. No worries. वहाँ पे चिंताएं नहीं है. No marriage. शादी नहीं है. No childbirth. वहाँ पर बच्चे आप बच्चों को आप जन्म नहीं देंगे. Amen. Amen. Because sin that is in the flesh will not go to heaven. क्योंकि हमारे शरीर जो पाप में है वो शरीर ही स्वर्ग नहीं जाएगा. ये सब शरीर धरती में रहेगा और हम आत्मा जो नया है वो जाएगा स्वर्ग. Amen. और प्रभु एक नया शरीर देगा तुमको. Amen. Amen. The old remembrance will not be there. पुरानी यादें मिट जाएंगी. Holy Spirit told me. पवित्र आत्मा ने मुझे कहा. God will remove every thought that was negative to you. कि जो भी नकारती विचार आपके मन में थे. That was disturbing you. जो आपको तंग कर रहे थे परमेश्वर से ऐसे सारे विचारों को आपके मन से हटा देगा. God will remove it forever. उनकी यादें परमेश्वर हमेशा से आपके मन से निकाल देगा. And everything will be freely provided. और सभी चीजें आपको मुफ्त में मिलेंगी. I know many of this question उधर काम नहीं करने का फिर क्या करने का. I have shared many times many of my messages. You can hear my messages. That's why the talents God has given you is very important. He has given this for eternity. The ability and the giftings of God that God has given you. That is your choice. That is your love. और ये आपकी प्रीति है. Suppose someone loves to play guitar. और मान लीजिए कि किसी को गिटार बजाना पसंद है. That's a gift. और ये एक दान है. That person will love to play. और उस व्यक्ति को गिटार बजाना बहुत अच्छा लगेगा. उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं. अरे गिटार बजा. बोलेगा अरे नहीं बोलते भी बजाएगा. Because वो हॉबी है उसका, उसका लाइकिंग है, उसका चॉइस है, उसका लव है. Amen. Amen.
And when you go to heaven, और जब आप स्वर्ग जाएंगे, you'll entertain people with that music. आप उसी हुनर के साथ, उसी म्यूजिक के साथ आप दूसरों को खुश करेंगे. Means what you love, will you give. इसका मतलब है कि जो आपको करना पसंद है, वो आप दूसरों को देंगे. इधर तुमको खाना बनाने को पसंद नहीं, फिर भी बनाने पड़ता है, isn't it? सही है. है ना? उधर ऐसा नहीं है. अब एक एक माँ लोगों को खाना बनाने को पसंद भी आता है. ऐसा भी है माँ लोग, है ऐसा, उन लोगों को किचन ही अच्छा लगता है, मतलब क्या बना के दू, ऐसा भी है लोगों का. See, I'm not hurting you, I'm saying it's good. मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है. तो हमारा काम कम हो जाता, फिर क्या होता है, उन लोगों को नहीं बोलते भी खाना बनाते हैं, बिकॉज दैट इज देयर फर्स्ट लव. क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, पसंद है खाना बनाना. They love to make and give. उन्हें खाना बनाकर खिलाना बहुत Because that is the talent. क्योंकि वो हुनर प्रभु That's the gifting of God. वो परमेश्वर ने उन्हें दान दिया है. That's the blessing of God. ये परमेश्वर का आशीर्वाद है. In heaven, you'll be working based on those giftings. और जो भी दान प्रभु ने दिए हैं, वो उन्हीं का इस्तेमाल आप स्वर्ग में करेंगे. So you love to work what you love to work. इसलिए जो आपको पसंद है, वो काम करेंगे आप स्वर्ग में. Everything is free, no money there. वहाँ पे पैसा नहीं है, सब कुछ मुफ्त में मिलेगा. Praise the Lord. So only this short life. तो ये बहुत ही छोटा जीवन है. Live for the Lord. इस धरती का जो छोटा जीवन है, Amen. Don't be fully engrossed in the world. और पूरी तरह से इस दुनिया की बातों में मत उलझे रहिए. ये सब temporary है. थोड़ा दिन रहने का हमको, प्रभु का काम करने का, प्रभु के बारे में बोलने का लोगों को. बहुत लोगों को प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है, स्पेशली तुम्हारे लिए. ये लोग तुम्हारे द्वारा ही उद्धार हो सकता है, तुम्हारे द्वारा ही आशीर्वाद हो सकता है. Amen. So be ready. इसलिए तैयार रहिए. God will send such people to you. परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके पास भेजेंगे. Don't escape. और बचिए. Don't run away. भागिए मत. Don't become so busy. और इतने व्यस्त मत हो जाइए. That when God sends someone, you don't have time. जब प्रभु किसी को आपके पास भेजे, तो आपके पास समय नहीं. Then God will send that person to someone else. फिर परमेश्वर उस व्यक्ति को किसी और के पास. But you are accountable. पर फिर आपको हिसाब देना पड़ेगा. That person will get reward in heaven. उस व्यक्ति को तो अपना प्रभु स्वर्ग में मिलेगा. I couldn't speak much. We'll see next week. Let's all stand up. और ज़्यादा नहीं बता पाया. अगले हफ्ते देखेंगे. आइए हम सब खड़े हो जाएं. प्रभु को धन्यवाद कहिए. छोट्याशा मुलीची साक्ष आहे. ही 14 वर्षाची मुलगी आहे आणि ही गावाकडे असते. ते ब्रदर सांगतात की ह्या मुलीची तब्येत काही दिवसांपूर्वी इतकी खालवलेली होती, इतकं तिच्यामध्ये अशक्तपणा होता, कमजोरी होती. आणि जेव्हा तिला डॉक्टरनी तपासलं, डॉक्टरनी सांगितलं की हिच्या अंगामध्ये ब्लडच नाही आहे, रक्तच नाही, आणि मुलगी पूर्ण सिरियस झालेली होती. डॉक्टरनी तिला नो गॅरंटी, म्हणजे तिचं काही खरं नाही म्हणून सांगितलेलं होतं. हिच्यामध्ये फक्त 3% ब्लड HB होतं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये तिच्या कुटुंबाकडचे झाडपाले, वैद्य किंवा असं जादूटोणा करणाऱ्या लोकांकडे, ऋषी मुनींकडे जात होते. परंतु ब्रदर म्हणतात की तिला कशाचाच फरक पडत नव्हता आणि त्यांचे घरवाले हिला कोणी चर्चमध्ये आणायला तयार नव्हते. त्यावेळेस आपले हे चर्चचे जे ब्रदर आहेत, त्यांनी त्यावेळेस खूप तिथे भांडण केलं आणि त्यांना सांगितलं की नाही, तुम्ही ह्या मुलीला चर्चला पाठवा. तुम्ही एवढे उपाय केले, एवढे तुम्ही तुमच्या सगळ्या गोष्टी केल्या, परंतु तिला तुम्ही चर्चला पाठवा. आणि ब्रदर म्हणतात तिला मी मागच्या शनिवारी चर्च घेऊन आलो पुण्यामध्ये आणि चर्चमध्ये आणलं. मागच्या शनिवारी पास्टरनी ह्या मुलीसाठी प्रार्थना केली, त्यावेळेस तिचे HB फक्त 3% होतं. प्रियानं 3% म्हणजे काहीच नव्हतं. ही पोरगी एकदम मलूल झालेली होती. आणि त्या जेव्हा पास्टरनी प्रार्थना केली, त्यानंतर तिचे दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी अनेक ब्लड टेस्ट होणार होते. जे मोठे मोठे आजार आहे, जसं एड्स आहे, क्षय आहे, TB आहे, आणि त्यापेक्षा पण मोठ्या आजारांच्या तिच्या टेस्ट होणार होत्या. सगळं कुटुंब चिंतेमध्ये होते. परंतु ब्रदर म्हणतात आम्ही विश्वास ठेवलेला होता, कारण पास्टरनी ह्या लेकरासाठी प्रार्थना केलेली होती. आणि ज्यावेळेस तिच्या सगळ्या ब्लड टेस्ट झाले, सगळे रिपोर्ट्स प्रियानो नॉर्मल आले, आणि 3 दिवसात तिचं ब्लड 4% गेलं आणि 8 दिवसात ह्या मुलीचं ब्लड 6% आलं. आणि त्यानंतर तिला डिस्चार्ज दिला. आज ही मुलगी मागच्याच आठवड्यामध्ये झालेलं आहे. ज्यावेळेस पास्टरनी ह्या मुलीसाठी प्रार्थना केली प्रियानो, फक्त 8 दिवसामध्ये जे पोरीला डॉक्टरनी नो गॅरंटी सांगितलेली होती, हिचं काही खरं नाही, ही कदाचित मरू शकेल, परंतु आपला जिवंत परमेश्वर आहे की त्यांनी ह्या लेकराच्या जीवनात अद्भुत कार्य केलं. आज ही पोरगी सर्व मरणावर, प्रेज गॉड,
सगळ्या आजारांवर प्रभूंनी तिला विजय दिलेला आहे. आज पास्टरांच्या द्वारे ह्या लेकराला आरोग्य मिळालं तर का नाही प्रियांनो, टाळ्या वाजून सर्व गौरव आपण प्रभू येशूला देऊयात. थँक्यू जीसस, थँक्यू, थँक्यू सिस्टर. यू कॅन रेकॉर्ड इट अलॉंग विथ द रिपोर्ट. रिपोर्ट बरोबर आपण त्यांची रेकॉर्डिंग करू शकतो. काय लोकांना वाटत आहे की खरं आहे की खोटं आहे. आय नो लास्ट वीक आय रिमेंबर नाऊ दॅट शी सेड ओनली 3%. आणि मागच्या आठवड्यात माझ्या लक्षात आहे फक्त तिने सांगितले 3% हेमोग्लोबिन आहे. आणि डॉक्टरांनी आशा सोडून दिली होती. बट वी हॅव होप इन गॉड. पण आपल्याला देवामध्ये आशा आहे. आमेन, आमेन. यू बिलीव, तुम्ही विश्वास करत आहात. यू नो कल और भी बड़ा बड़ा बीमारी आएगा तो क्या करोगे. प्रभु येशू इज द हीलर. प्रभु येशू आरोग्यदाता आहे. आमेन. डोंट नेग्लेक्ट फेलोशिप इन द चर्च. आणि मंडळीमध्ये येण्याची जी सहभागिता आहे ते टाळू नका. एंड द वर्ड. आणि वचनाची सहभागिता टाळू नका.